बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास एट। आप लोग सब खैरियत से हैं बेटा? चलें क्लास एट जल्दी से बेटा, जब जिंदगी शुरू होगी निकाल लें। आज ये बाप कोशिश करेंगे हम कि कंप्लीट हो जाए, और मुझे आपको आज तारीफें भी लिखवानी है, सो प्लीज जरा आज जल्दी से रीडिंग करते हैं। हम पेज नंबर, जब जिंदगी शुरू होगी, पेज नंबर 23, सफा नंबर 23 पे थे हम, जहाँ पे हमने अभी जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अब्दुल्ला जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो आलम समावात यानी आसमान का सफर कर रहे हैं, और अल्लाह ताला से जो है वो अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होने के लिए वो जा रहे हैं, और वो उनसे पूछते हैं कि क्या हम सिद्दतुल मुंतहा की तरफ जा रहे हैं। तो इस पर जिब्रील अमीन ने जवाब दिया के मेराज वाला जो है वो किस्सा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता अंबिया का रास्ता है। ठीक है, मेराज का जो रास्ता है वो अंबिया का रास्ता है, और ये रास्ता जो था जहां से अब्दुल्ला जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बारगाह अलवियत में सजदे का एजाज बख्शने के लिए अब्दुल्ला को बुलाया गया है, और अब्दुल्ला की ही वजह से सालेह को भी यहाँ तक आने की इजाजत मिली है, और इसी वजह से सोहले का जो चेहरा है वो बहुत खुश है इस बात पर। ठीक है, फिर जो है वो जिब्रील बताते हैं कि खुदा की हस्ती लामहदूद है, खुदा की जो जात है उसकी जो सिफात है वो इंसानी जबान जो है वो कासिर है बयान करने से, जबकि दुनिया में हम यहाँ पे इस पर जो कुछ अल्लाह के बारे में जानते हैं वो हमारी मालूमात भी बहुत महदूद और कम है। ठीक है, और अब वो कह रहे हैं जिब्रील कि अब तुम जिस दुनिया में हो, यहाँ के कमालात अब जब तुम देखोगे तो उसकी कोई हद नहीं है। और अब्दुल्ला कहते हैं कि वाकई ये बात सच है, मैं जो कुछ देख रहा था वो जिब्रील अमीन की बात की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत था। और यहाँ पर अब्दुल्ला जो है वो अल्लाह ताला के शुक्रगुजार होते हैं कि वो कुफर और नाफरमानी की हालत में नहीं मरे। ठीक है, वरना अगर उस वक्त अगर वो कुफर की हालत में मरते तो यहाँ पे इस वक्त उनकी आंखें जो है वो ये सब कुछ ना देख रही होती, बल्कि जो कुछ देख रही होती वो बहुत ही भयानक और बहुत ही बुरा होता। अब देखें, जिब्रील अमीन की मैयत में मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए हामिलीन अर्श के करीब पहुंचे, यहाँ नूर रंग और रोशनी का एक ऐसा हसीन और लतीफ इम्तिज़ाज छाया हुआ था जो बयान की गिरफ्त से बाहर था। ठीक है, हामिलीन अर्श के सर झुके हुए थे, चेहरे पर खशियत का असर और तमानियत का नूर फैला हुआ था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, ठीक है यहाँ सब कौन पढ़ेगा? चलिए उमैमा, आप ने बेटा शायद आपको कुछ पूछना है मेरा ख्याल है। चलिए उमैमा आप बेटा पढ़िए यहाँ से, और पूछना भी है तो आप पूछ सकती हैं। नो टीचर। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया, परवरदिगार की बारगाह का हर हुक्म उन्हीं फरिश्तों की वसातत से नीचे जाता, और नीचे वालों का हर फेल उन्हीं के जरिए से आलिम परवरदिगार के हजूर पेश किया जाता है। मैं कुर्बे इलाही के इस मकाम को रश्क भरी नज़रों से देख रहा था, उन्होंने भी नज़र उठाकर मुझे देखा, और लम्हा भर के लिए इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आई, मेरा हौसला बढ़ा, मैंने कदम अर्श की सिमत बढ़ाए, मेरे रुए रुए से उस हस्ती की हमदो सना बुलंद होने लगी जिससे मिलने की ख्वाहिश मैं सारी जिंदगी गुजारी थी। फिर चलते चलते मुझ पर न जाने क्यों लर्जा तारी होने लगा, खुदा से मिलने की शदीद तरीन ख्वाहिश पर उसकी अजमत का एहसास गालिब आ गया। इस लम्हे मुझ पर इतना शदीद रब तारी हुआ कि मैं घबरा कर वापस पीछे हटने लगा, गरचा अर्श अभी बहुत दूर था, मगर साहब अर्श की अजमत के एहसास से मेरी हिम्मत टूट गई। मुझे लगा कि इस लम्हे मेरा वजूद किरची किरची होकर फिजा में बिखर जाएगा, शायद यही होता, मगर ऐसे में मेरे कानों में जिब्राइल अमीन की आवाज़ आई, यहीं सजदे में गिर जाओ, इस मुकाम से आगे सिर्फ अंबिया इकराम जाते हैं। मैं और साले दोनों सजदे में गिर चले गए, जिसे बिन देखे सजदा किया था, आज पहली दफा उसे देखकर सजदा किया था, देखा तो खैर किया था,
बस आसार देख लिए थे। यह सजदा कितना तवील और कितना लजीज था मुझे मुझे याद नहीं। जिसने सूरज को रोशनी की रिदा और चांद चांद को नूर की कबा पहनाई, फूलों को महक और तितलियों का रंग का लिबास पहनाया, तारों को चमक का लहजा और कलियों को चटक की आवाज अता की, आसमान को रिफत का ताज और समंदरों को वसत का तख्त बख्शा, जमीन को जरखेजी की नेमत और दरियाओं को बहाव का हुसन अता किया, और जिसने इंसान को बयान का वस्फ और कुरान और नजूल कुरान का शर्फ बख्शा। इसके कदमों में गुजारा हुआ एक एक लम्हा हफ्ते अकलीम की बादशाही से बढ़कर था, मगर इस लम्हे को तमाम होना ही था। हामिलीन शुरू की दिलकश सदा बुलंद हुई। बस मैम, अच्छा अब देखिए यहाँ पे कैफियत बताई गई है। अब्दुल्ला ने अपनी कैफियत का इजहार किया है कि जब वो अल्लाह ताला के कुर्ब को पहुंचे तो उनकी क्या कैफियत थी। ठीक है, उनका जो है वो एक एक रुआ जो है ना वो अल्लाह की हमदो सना में मसरूफ था। और यहाँ पे अब्दुल्ला कहते हैं कि जिससे मिलने की ख्वाहिश में पूरी जिंदगी मैंने गुजार दी, अब उससे जब मिलने का वक्त करीब आ रहा था तो इन पे एक लर्जा सा तारी होने लगा। ठीक है, और ये होता है बेटा इस तरह से, जो है वो आप किसी करीबी और अजीम बुजुर्ग हस्ती से आप इस तरह मिलने जाएं तो एक अजीब सी कैफियत, आप पे वजदानी कैफियत एक तारी होने लगती है। और यहाँ पर उन पे जो है वो अल्लाह ताला की अजमत का एहसास उन पे इतना हावी हो गया, इतना गालिब हो गया, और अल्लाह का रोब उन पे ऐसा तारी हो गया कि वो घबरा कर उनको लगा जैसे मुझे यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। जैसे जैसे वो अर्श पे आगे बढ़ रहे थे ना, वैसे वैसे उनकी कैफियत जो है वो बताई गई है। और जब उनको बहुत ज्यादा एक रोब का असर उन पे आया और वो पीछे पलटने का सोचने लगे, हालांकि अर्श अभी कह रहे हैं दूर था, लेकिन उस साहिब अर्श की जो अजमत का एहसास था वो इतना उन पे हावी हो गया था कि उनको लग रहा था कि इनका वजूद जो है ना वो उनकी कुर्बत से बिखर जाएगा, किरची किरची होकर फिजा में बिखर जाएगा। और यही शायद होता भी, लेकिन उसी वक्त उनके कानों में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की आवाज आई कि यही सजदे में गिर जाओ, क्योंकि इससे आगे सिर्फ नबी जा सकते हैं। तो वो और सालेह दोनों सजदे में चले गए। और अब यहाँ पे देखिए मुसन्निफ लिख रहे हैं कि जिसे बिन देखे सजदा किया था, यानी आज जब हम नमाज पढ़ते हैं अल्लाह के हुजूर, जब हम सजदा बजाते हैं तो हमने अल्लाह को देखा नहीं है लेकिन हम अल्लाह को महसूस करते हैं, हमें बिन देखे उस पे ईमान है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने देखे बगैर उस पे ईमान किया था, ईमान रखा था, तो आज तो मैं उसको देख कर उसको सजदा बजा रहा हूँ। और फिर कह रहे हैं कि देखा तो बस क्या खैर था, लेकिन आसार मैंने देखे हैं, और आसार भी ऐसे देखे हैं इन्होंने कि जो उनको जो है वो उनको यकीन आ गया है अल्लाह के वजूद पे। मतलब यकीन तो उनको दुनिया में भी था लेकिन आसार देख के उनपे ऐसी कैफियत तारी हो गई, वजदानी कैफियत उनपे तारी हो गई। ठीक है, फिर वो सजदे की तवालत के बारे में बता रहे हैं कि कितना तवील था उनका वो सजदा और कितना लजीज था, उसमें एक अलग ही तरह की लज्जत थी। और फिर बता रहे हैं इसमें सूरज और चांद की, सूरज की रोशनी की रिदा, चांद को नूर की कबा पहनाई, मतलब वो उसकी सजदे की खूबसूरती को इसमें बयान कर रहे हैं कि जब सूरज रोशन होता है तो कैसा रोशनी, कैसी वो नूर फैलाती है। ठीक है, और चांद का जो नूर है वो किस तरह जो है वो आसमान पे रात में जो है वो अंधेरे को, तारीकी को जो है वो रोशनी में बदल देता है। इसी तरह फूलों की महक तशबीह दी है, तितलियों के खूबसूरत रंग से तशबीह दी है इसमें। ठीक है, फिर जो है वो कलियों की चटक की आवाज, आसमान की बुलंदी, समंदर की गहराई। ठीक है, यहाँ पे मैं मीनिंग बोल रही हूँ सारे। ठीक है, आवाज अता की, आसमान को रिफत का मतलब है बुलंदी। जी फातमा, वेट फॉर अ वाइल। और अब्दुलरहमान बेटा, ये पेज नंबर 24 पे हम रीडिंग कर रहे थे, मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना अब्दुलरहमान, वो पेज नंबर 24 है। ठीक है फातमा, इसके बाद आप पढ़िएगा अब्दुलरहमान, ये पेज नंबर 24 है बेटा। और अब हम 25 पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट की जो 3 lines है वो मैं बता रही हूँ। इसमें कलियों की कलियों को चटक की आवाज होता कि आसमान को रिफत यानी बुलंदी का ताज मिला, समंदरों को वसत का तख्त। वसत कहते हैं गहराई को, ठीक है, लंबाई और गहराई। जमीन को जरखेजी की नेमत और दरियाओं को बहाव का हुस्न अता किया, और जिस इंसान को बयान का वस्फ और नजुल कुरान का शर्फ बख्शा। वैसे देखिए अल्लाह की सिफात, उस सजदे की तवालत, उस सजदे की लज्जत इसे बता रहे हैं मुसन्निफ। ठीक है, कि अल्लाह के कदमों में गिरा हुआ एक एक गुजारा हुआ एक एक लम्हा
जो है वो हफ्ते क्लीन की दौलत से भी बढ़कर था। हफ्ते क्लीन की दौलत मतलब दोनों जहां की दौलत, तमाम कायनात की जो दौलत थी ना, वो उनको लग रहा था कि सजदे में उनको मिल गई है, ठीक है। लेकिन जाहिर है वो लम्हा तमाम तो होना ही था, और उसी वक्त हामिली ने अर्श की दिलकश सदा बुलंद हुई। जी फातिमा आगे पढ़िए, उसके बाद ईमान आप पढ़िएगा। चलिए फातिमा पढ़िए बेटा आगे। फातिमा इरफान आप पढ़िए बेटा। फिर मैंने आपसे एक बात भी पूछनी है, आपने एक वर्ड यूज जी किया बेटा आप पूछिए। वजदानी, इसका मतलब क्या है? वजदानी, वजदान का मतलब है दीवानगी की कैफियत बेटा। एक ऐसी कैफियत में, आलम वजदान का मतलब है ऐसी कैफियत में जब इंसान के होश उसका साथ छोड़ दे, उसकी जो अकल है ना बेटा वो उसका साथ छोड़ दे। आलम वजदान जो होता है वो आलम है, वो कैफियत है जिसमें आप दीवानगी की हद पे पहुंच जाएं और आपको होश व हवास जो है ना आपके, वो आपका साथ छोड़ दे, ठीक है बेटा। चलिए आगे पढ़िए। हामिली ने अर्श की दिलकश सदा बुलंद हुई। हुवल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, ये ऐलान था कि साहिब अर्श कलाम कर रहा है। आवाज आई, मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हर सुर से लजीज तर इस सदा में वो सहर था कि मेरा वजूद सरापा होश हो गया। मेरा पूरा जिस्म और इसकी हर कुव्वत कानों और समात में सिमट आई। मैं मजीद कुछ सुनने का मुंतजर था मगर गुफ्तगू में एक वक्फा आ गया था। मुझे एहसास हुआ कि शायद अब मुझे कुछ कहना चाहिए। जो पहली बात मेरी जबान पर आई वो ये थी, मालिक जिंदगी में यही एक हकीकत तो जानी है। मेरी ये बात मेरे अपने कान बमुश्किल सुन सके थे मगर हाजिर व गायब के जानने वाले और दिलों में भेद पा लेने वाले तक वो पहुंच गई थी। जवाब मिला, मगर ये बात जो आने वाला हर शख्स यहाँ तक नहीं आता। जानते हो अब्दुल्ला, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? इस दफ़ा मेरे शहनशाह के लहजे के जाहो जलाल में अपनाइयत का रंग झलक रहा था, इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद लोगों को मेरे बारे में बताना था, मेरी मुलाकात से खबरदार करना था। तुमने मेरी याद को, मेरे काम को अपनी ज़िंदगी बना लिया, ये इसका बदला है। आसमानों ज़मीन के मालिक की गुफ्तगू और आवाज़ सुनते रहना मेरी ज़िंदगी की शदीद तरीन ख्वाहिश बन चुकी थी, मगर एक दफ़ा फिर मालिकुल मुल्क अपनी बात कहने के बाद ठहर गए। मुझे महसूस हुआ कि मेरा रब मुझे बोलने का मौका दे रहा है। मैंने अर्ज किया, क्या मैं आपके पास यहाँ रुक सकता हूँ? मुझसे कोई दूर नहीं होता, ना मैं किसी से दूर होता हूँ। मेरा हर बंदा और मेरी हर बंदी जो मेरी याद में जिए वो मेरे पास रहता है। और कुछ आखिरी बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो रहा है। मैंने अर्ज किया, मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म का वक्त गुजर गया, अब तो तुम्हें हुक्मरान बनाने का वक्त आ रहा है। फिलहाल तुम वापस जाओ, जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई। मैंने चलते चलते ठीक है बेटा, बस फातिमा, ओके ओके फातिमा बस बेटा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि एक सदा जो बुलंद होती है ना बेटा, हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, ये एक ऐलान की सूरत में बुलंद होती है कि साहिबे अर्श यानी अल्लाह ताला जो है वो अब मुखातिब है और वो खुद कह रहे हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, ठीक है। हर सुर से लजीज तर इस सदा में वो सहर था। अब देखिए यहाँ पे उस सदा में भी जाहिर एक जादू जैसी, सहर का मतलब है जादू, ठीक है। और कहते हैं कि मेरा वजूद जो है वो सरापा गोश, मतलब पूरा सर से पांव तक जो है वो मुसनिफ कह रहे हैं कि मैं एक ऐसी कैफियत में था कि मैं हमतन गोश था, मैं बहुत बारीक बीनी से, मेरे जो समात कुव्वत समात थी, जो मेरे कान थे, वो बहुत ही बारीक बीनी से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के कलाम को सुनने में जो है वो मेरी सारी तवानाई जो है वो खर्च हो रही थी, ठीक है। वो कह रहे कि मेरा पूरा जिस्म उसकी हर कुव्वत मेरे कानों और समात में उतर आई थी। मतलब आप जैसे नहीं, बहुत ही गहराई से आप किसी को सुनने की मुतमन्नी होते हैं जब, ठीक है, आपकी तमन्ना होती है कि आप किसी को सुन रहे हैं और आपको, आपकी ख्वाहिश होती है कि उसका कोई एक लफ्ज भी, एक हर्फ भी आपके कानों से जो है वो मिस ना हो जाए, आपसे छूट ना जाए। तो इस तरह से मुसनिफ कह रहे हैं कि मैं सर से पांव तक जो है वो बिल्कुल जो है ना वो हमातन गोश था और मैं और भी कुछ सुनना चाहता था। जाहिर है वो चाहते थे अल्लाह ताला मजीद कुछ फरमाए, लेकिन यहाँ पे एक वक्फा आ जाता है और फिर
यहाँ पे जो है मुसन्निफ कह रहे हैं कि मैं, वो खुद बोलते हैं जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो यहाँ पे मुसन्निफ ने वक्फा जब देखा तो वो खुद बोलते हैं, कलाम करते हैं अल्लाह से कि मालिक जिंदगी में यही एक हकीकत तो जानी है मैंने, और वो इस तरह बोलते हैं, कहते हैं मैंने अपनी आवाज मेरे अपने कानों ने बहुत मुश्किल सुनी, लेकिन जाहिर है जिसको वो सुना रहे थे वो तो हाजिर गायब हर चीज के जो है वो भेद को जानने वाला था, ठीक है, वो तो दिलों तक की बात को जानता था, तो जाहिर है उस तक तो बात पहुंचनी थी। तो जवाब में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये बात जानने वाला हर शख्स यहाँ तक नहीं आता। देखिए अब ये बात तो हम भी जानते हैं, ठीक है ना, इस बात का तो हमें भी अंदाजा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, लेकिन जो रुतबा, जो हैसियत, जो अहमियत वहां पे अब्दुल्लाह को मिली है वो हर शख्स को नहीं मिलेगी और ना ही मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम यहाँ तक कैसे आ गए, और इस दफा कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत अपनायत से, एक जाह जलाल तो जो था ना आवाज में वो तो था, उसके साथ से अपनायत का रंग झलका है। और वजह अल्लाह ने क्या बताई कि अब्दुल्ला की जो जिंदगी थी ना बेटा पूरी, वो उसके इसी मकसद में गुजरी कि अल्लाह से जो ये मुलाकात होनी है ना रोजा आखिरत में, उसी मुलाकात से लोगों को आगाह करने में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। अब यहाँ पे इस जब जिंदगी शुरू होगी में, तो आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों में से अगर काफी बच्चों ने शायद ये पढ़ भी ली होगी पहले ही, तो मैं आपसे कहूंगी इसका दूसरा हिस्सा है कसम उस वक्त की, अगर हो सके तो आप उसको भी पढ़ लें, आप चाहें तो नेट पे भी है, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। उसमें जो है ना बताया गया है कि अब्दुल्ला दरअसल एक इंजीनियर था, ठीक है, क्लास 8 इंजीनियर होने के बावजूद उसने जो है अपने रोजगार पे, उसने जो नौकरी उसने मुंतखब की थी वो सिर्फ इतनी थी, वो इतना रिस्क कमाता था रिस्क हलाल कि जिससे उसकी जिंदगी आसानी से बसर हो जाए, ठीक है। उसने कभी भी बहुत ज्यादा की हवस नहीं की, हालांकि इंजीनियर होने पर उसको वो चाहता तो बहुत अच्छी जो है वो नौकरी हासिल कर सकता था, लेकिन उसके लिए उसको अपना वक्त देना पड़ता। आपको इस चीज का बखूबी अंदाजा होगा कि इंसान की जो वक्त है ना बेटा उसका, उसी की कीमत जो है वो मुकर्रर होती है, जितनी बड़ी पोस्ट होगी उतनी जो है वो आपकी पे भी अच्छी होगी, लेकिन उसके साथ आपका जो वक्त है ना समझ ले वो कंपनी जो है आपकी वो खरीद देती है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला ने इंजीनियर होने के बावजूद बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी उसने नौकरी का इंतखाब किया जिसने वो बस इतना कमा लेता था कि उसके घर का गुजारा हो जाए, और यहाँ पे उसमें उस जिंदगी गुजारने में उसकी जो बीवी है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने बहुत उनका साथ दिया, और बीवी ज़ाहिर है बेगम ने उनका की जो बौजा थी उनकी जो बेगम थी उन्होंने इतना उनका बखूबी साथ दिया। उसने अपना वक्त जो है वो सर्व किया। अच्छा अब यहाँ पे अल्लाह ताला उसकी इसी बात को यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि तुमने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया था, और ये उसी मकसद का जो तुमने अपनी जिंदगी का बनाया था उसका ये बदला है जो तुम आज से हासिल करोगे, आज से तुम पाओगे। और यहाँ तक कहने के बाद फिर अल्लाह ताला जो है वो रुक गए हैं, और यहाँ पे फिर अब्दुल्ला कहता है कि मैं आपके पास रुक सकता हूँ, तो अल्लाह बताते हैं कि मैं किसी से दूर नहीं हूँ और ना ही कोई मुझसे दूर है। फिर जो है वो उससे अंदाजा होता है कि आखिरी ये मतलब मुलाकात का जो है वो वक्त खत्म हो रहा है, ये हुक्म पूछना है कि मेरे लिए क्या हुक्म है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हुक्म का वक्त गुजर गया है, तुमने मेरे हुक्म के मुताबिक जिस तरह लोगों को इस मुलाकात से आगाह किया, इस मुलाकात से बाखबर किया, उसके बाद तो तुम्हें हुक्मरान बनाने का वक्त आ गया है, तो बस अब फिलहाल तुम वापस जाओ क्योंकि जिंदगी भी शुरू नहीं हुई बल्कि होने वाली है। चले अब कौन पढ़ेगा, ईमान आप पढ़ेंगे आगे, चलिए ईमान आप पढ़िए। मैंने चलते चलते अर्ज की, आप क़यामत के दिन मुझे भूलेंगे तो नहीं, मैंने इस दिन की वहशत और आपकी नाराजगी का बहुत जिक्र सुन रखा है। फिजा में एक हसीन तबस्सुम बिखर गया, खनकते हुए लहजे में सदा आई, भूलने का आरजा तुम इंसानों को होता है, बादशाहों का बादशाह तुम्हारा मालिक तुम्हारा रब कुछ नहीं भूलता, रहा मेरा गुस्सा तो वो मेरी रहमत पर कभी गालिब नहीं आता, तुमने तो जिंदगी भर मुझे उम्मीद और खौफ के साथ याद रखा है, मैं भी तुम्हें दरगुजर और रहमत के साथ याद रखूंगा, लेकिन एक लम्हे के शहाना तो कफ के बाद इरशाद हुआ,
तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं साले को तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, ये हर जरूरत के मौके पर तुम्हारा ख्याल रखेगा। ये थी मेरी और साले की पहली मुलाकात की रोदात और इसके मेरे साथ रहने की असल वजह आलम बरज़ख में मेरी जिंदगी जिस्म के बगैर थी। इसमें मेरे एहसासात, जज्बात, तजुर्बात और मुशाहिदात की कैफियत वैसी ही थी जैसी ख्वाब में होती है, यानी गैर मादी मगर शऊर से भरपूर जिंदगी जिसने मुझे इन नेमतों का मुकम्मल एहसास दिलाता जो जन्नत में मुझे मिलने वाली। साले मेरी ख्वाहिश पर वक्फे वक्फे से मुझसे मिलने आता रहा। हर दफ़ा वो मुझे नित नई चीज़ों के बारे में बताता रहता और मेरे हर सवाल का जवाब देता। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई। फिर आखिरी मुलाकात में इसने मुझे बताया था कि जिंदगी शुरू होने जा रही है और अब मैंने इसके साथ मैदान हशर को तेजी के साथ उबूर करता हुआ अर्श की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते मैंने इर्द गिर्द देखा। बेटा अब्दुलरहमान बस ठीक है, ईमान बस बेटा ईमान। अच्छा अब देखे अब्दुलरहमान, ये पेज नंबर 27 है बेटा। पेज नंबर 27 का जो है ना आपका पैराग्राफ जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां तक अभी ईमान ने पढ़ा है। अब देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पे अब्दुल्ला एक बहुत ही मासूमाना सा सवाल करता है कि आप कयामत के दिन मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। तो इस पे जो है वो यहाँ पे कहता है कि अल्लाह की वहशत का, उसकी नाराजगी का उन्होंने, मतलब हम सब ने भी जिक्र सुना हुआ है कि रोजे कयामत जो है वो जब अल्लाह ताला इंसाफ फरमाएंगे, कहते हैं ना एक जर्रा बराबर भी नेकी होगी तो उसका भी आपको जो है वो सिला मिल जाएगा, और उतना ही जर्रा बराबर भी अगर आपका गुनाह होगा तो उसका भी आपको सजा उसकी भुगतनी होगी। तो यहाँ पे वही उसकी का हवाला दे रहे हैं कि अल्लाह के गजब का, अल्लाह की गुस्से का, नाराजगी का भी बहुत जिक्र सुना है तो आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। तो इस पर जो है वो अल्लाह ताला जो है वो एक मुतबस्सुम लहजे में कहते हैं कि भूलने का आरजा जो है, ये भूलने की जो बीमारी है ये इंसानों को होती है। बादशाहों का बादशाह मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा रब हूँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ इस बात को। और जहां तक मेरे गुस्से की बात है तो वो मेरी रहमत पे कभी भी गालिब नहीं आता। ठीक है, अल्लाह के गुस्से को, अल्लाह की नाराजगी पे हमेशा उसकी रहमत जो है ना वो गालिब आती है। आप लोगों ने यकीनन सुना होगा कि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ठीक है, 70 गुना हमसे, हमारी माँ से भी ज्यादा जब वो मोहब्बत करते हैं तो उसकी जो रहमत है वो यकीनी तौर पे जो है वो गालिब आएगी उसके गुस्से पे। ठीक है, इसके बाद जो है वो फिर भी अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं सालेह को तुम्हारे साथ कर रहा हूँ और ये हर मौके पर तुम्हारा ख्याल रखेगा। अब देखिए ये सालेह से उसकी पहली मुलाकात है। हमने भी पढ़ा ना कि जब कब्र में वो जाता है तो बरज़ख के आलम में सालेह उसको लेकर और उसी वक्त जो है वो अल्लाह ताला के हुजूर उसकी जो है वो उसकी तजल्ली की दीदार कराने के लिए वो अल्लाह के हुजूर उनको अर्श पे जो है वो लेकर जाते हैं। ठीक है, और यही उसकी पहली मुलाकात की रुदाद है, मतलब किस्सा है, कहानी है। ठीक है, जिसमें सालेह के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई और यहाँ कहते हैं बरज़ख़ के आलम में जिस्म के बगैर थी उनकी जो जिंदगी थी वो, और कोई उनके एहसासात, जज्बात, बिल्कुल सब चीजों की कैफियत ऐसी थी जैसे एक इंसान जैसे ख्वाब देखता है। आप अगर ख्वाब देखेंगे तो अगले दिन उठ के आपको क्या फीलिंग्स होंगी, क्या बिल्कुल धुंधला सा आपको सब याद आ रहा होगा। तो वही धुंधली धुंधली सी कैफियत जो है वो यहाँ पे बरज़ख़ के आलम में भी इनकी थी, और लेकिन फिर भी उनको उन नेमतों का एहसास था, उनको इस चीज़ का एहसास आलम बरज़ख में हो गया था कि जन्नत में उनको बहुत अच्छी जिंदगी मिलने वाली है। ठीक है, साले इनकी ख्वाहिश पर इनसे मिलने आता रहता था, इनको हर नई चीज़ के बारे में बताता था, और अब जब आखिरी मुलाकात कहते हैं मेरी उससे जब हुई तो उसमें उसने बताया कि अब नई जिंदगी, हमेशा वाली जिंदगी शुरू होने जा रही है और अब मैं जो है उसके साथ मैदान हश्र में अर्श की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ख्याल है उमैमा आपने सवाल किया हुआ है बेटा कि हम तबलीग कैसे कर सकते हैं। बेटा इस दौर में जो है ना वो बेहतरीन तबलीग का जो जरिया ना बेटा वो ये है कि आप अपने आमाल से, अपने किरदार से आप तबलीग करें। ठीक है, आपके आमाल, आपके अफकार, आपका किरदार आपका ऐसा हो कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपको देखे ना तो वो आपसे मुतासर हो जाए। ठीक है, वो इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये जो है ये शख्स किस मजहब से ऐसा तो ताल्लुक है इसका, जिसके इतने अच्छे जो है वो इनके आमाल हैं, इतने अच्छे, इतना अच्छा इनका किरदार है। सबसे बेहतरीन जो है ना बेटा वो इसका यही है अभी इस वक्त कि आप अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने अफाल से आप तब्दील कर सकते हैं। और इसके अलावा मॉडर्न दौर है आज का दौर, इसमें तो अब आप देखें बेटा हर चीज़ आपको नेट पे अवेलेबल है। ठीक
ठीक है ना, तो जो लोग इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहते हैं वो नेट से सर्च करते हैं, वो उनको खुद ही अल्लाह ताला की तरफ से भी उनको जो है वो फिर मदद पहुंचती है और वो खुद ब खुद इस राह पे चल पड़ते हैं। अब आगे कौन रीड करेगा? फातिमा रहमान आप करेंगी बेटा? चलें फातिमा आप पढ़िए आगे। चलते चलते मैंने इर्द गिर्द देखा तो ताहद नजर एक हमवार मैदान नजर आया। माहौल कुछ ऐसा हो रहा था जैसा फजर की नमाज के बाद और सूरज निकलने से कबल का होता है, यानी हल्का हल्का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। इस वक्त इस मैदान में कम ही लोग नजर आ रहे थे, मगर जो थे इन सब की मंजिल एक ही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि इन में से कोई नबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। मैंने सालिहा को देखा, इससे मालूम था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। कहने लगा, वो सब के सब पहले ही उठ चुके हैं, हम इन्हीं के पास जा रहे हैं, क्या इनसे मुलाकात का मौका मिलेगा? मैंने बच्चों की तरफ इश्तियाक से पूछा। वो चलते चलते रुका और धीरे से बोला, अब इन्हीं के साथ जिंदगी गुजरेगी अब्दुल्ला, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। आजमाइश खत्म हो चुकी है, धोखा खत्म हो चुका है, अब जिंदगी शुरू हो रही है जिसमें अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और बुरे लोग हमेशा बुरे लोगों के साथ रहेंगे। असल में बात ये थी कि मैं अभी तक शाक से नहीं निकल सका। हाँ, दरअसल अभी तक नई दुनिया का सारा तारुफ आलम बरज़ख में हुआ था, वो एक नौयत की रूहानी दुनिया थी, मगर यहाँ हशर में तो सब कुछ मादी दुनिया जैसा था। मेरे हाथ पांव एहसासात जमीन आसमान हर चीज वही थी जिसका मैं पिछली दुनिया में आदी था। वहां मेरा घर था, घर वाले थे, मेरा मोहल्ला, मेरा इलाका, मेरी कौम। ये सब सोचते सोचते मेरे जहन में एक धमाका हुआ। मैंने रुककर सालिया को दोनों हाथों से पकड़ लिया। मेरे घर वाले कहाँ हैं? मेरे रिश्तेदार अहबाब सब कहाँ हैं? इनके साथ क्या होगा? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? सालिया ने मुझसे नजरें चुरा कर कहा, जिन सवालों के जवाब मुझे मालूम वो मुझसे मत पूछो। आज हर शख्स तन्हा है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता। अगर उनके अमाल अच्छे हैं तो यकीन रखो वो तुमसे आ मिलेंगे, इनके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो सालिहा जुमला नाम कमल छोड़कर खामोश हो गया। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा भी बुझ गया। इसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर मेरा हौसला बढ़ाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम खुदा के लश्कर में लड़ने वाले एक सिपाही थे, इसलिए पहले उठ गए हो। बाकी लोग अभी उठ रहे हैं, इंशाल्लाह वो लोग भी खैर के साथ तुमसे मिल जाएंगे, अभी तो तुम आ गए। चलो, इसकी तसल्ली से मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं सबक रफ्तारी से इसके साथ चलने लगा। ठीक है बेटा। बेटा अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैं आप लोगों से यहाँ पे बेटा टाइम हमारे पास इतना नहीं है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट क्लास में आपको मैं तारीफें लिखवाऊंगी, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। पहला बाब हमारा खत्म हो गया है। अब देखिए अब आगे क्या होता है कि चलते चलते जो है वो अब्दुल्ला ने क्या देखा कि जो है वो उसको मैदान नजर आता है और मंजर कैसा है, जैसे फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से कबल कैसा हल्का हल्का उजाला सा फैला होता है, वैसा उसने देखा कि माहौल है, ठीक है, और बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं और सबकी मंजिल एक है। अब यहाँ पे चूंकि उसको इस चीज का अंदाजा हो गया था कि बहुत जो नेक लोग हैं सिर्फ वही लोग अभी उठे हैं, तो उसके जहन में ख्याल आता है कि शायद कोई नबी या रसूल भी हो इन लोगों में से, और ये उसके जहन में सवाल होता है और वो साले को देखता है कि साले को पहले ही पता चल जाता है कि वो क्या पूछने वाला है, और वो कहता है कि सारे नबी उठ चुके हैं, हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो इसमें अब्दुल्ला कहता है कि क्या मैं उससे मिल सकूंगा, तो फिर वो कहता है कि भैया उन्हीं के साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी है और तुम अभी तक समझ ही नहीं पाए हो कि हो क्या रहा है। भाई आजमाइश अब खत्म हो चुकी है, अब हमेशा की जिंदगी शुरू हो रही है और इसमें जो अच्छे लोग हैं वो हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, जबकि जो बुरे लोग हैं वो बुरे लोगों के साथ दोजख में रहेंगे।
और यहाँ पे अब्दुल्ला कहते हैं कि वो अभी तक शौक की कैफियत में है, वो अभी तक बाहर ही नहीं निकले इस कैफियत से, और नई दुनिया का जो भी तारुफ था उनका वो अभी तक आलम बरजक तक ही महदूद था, ठीक है, और वो एक तरह की रूहानी दुनिया थी। लेकिन यहाँ पे अब जो हशर में जो कुछ होगा ना बेटा, वो सब कुछ मादी दुनिया जैसा, जैसा अभी हम इस दुनिया में है बिल्कुल वैसा ही सब कुछ होगा। यहाँ पे इनके हाथ पाँव एहसास जमीन आसमान हर चीज इनकी पहले जैसी हो गई है, जिसके कि वो पिछली दुनिया में आदि थे। अब यहाँ पे देखिए उनके दिमाग में उनका घर आता है, उनके घर वाले आते हैं, उनका जो मोहल्ला है वो उनका आता है, और जहाँ उनके जो है वो ये सब चीजें उनके दिमाग में आती है ना, वहीं पे फौरन जो है वो उनके घर वालों के साथ ही एक धमाका सा उनके दिमाग में होता है और उनको अपने घर वाले याद आते हैं। तो वो फिर उनसे पूछते हैं कि वो नजर क्यों नहीं आ रहे मुझे यहाँ आसपास। तो इस पे साले नजरे चुराते हुए कहता है कि भाई जिन सवालों के जवाब मुझे नहीं मालूम वो मुझसे तो मत पूछो अभी, आज हर शख्स तन्हा है, कोई किसी के काम नहीं आएगा, अगर तुम्हारे घर वालों के आमाल अच्छे हैं तो वो तुमसे आ मिलेंगे, लेकिन उनको थोड़ा वक्त लगेगा, ज्यादती किसी के साथ भी नहीं होगी, और अभी चूंकि अल्लाह के एक लश्कर था अल्लाह का और तुम उसके लड़ने वाले एक सिपाही थे, इसलिए तुम पहले उठ गए हो, बाकी जो लोग थे नेक लोग वो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं, और इंशाल्लाह तुम अल्लाह से खैर की उम्मीद रखो, वो भी तुमसे आकर मिल जाएंगे, अभी हम आगे चलते हैं। और इस तरह से सुबह की रफ्तारी मतलब बिल्कुल जो है वो दरमियानी रफ्तार से वो उनके साथ जो है वो चलने लग जाते हैं। चले अब आपको बेटा कोई सवाल है तो आप लोग कर ले, इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको ये बता दूं, सवाल आप लोग कीजिए वन बाय वन। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि इसका जो हम जब करेंगे ना इसका काम, उसमें मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि अब ये हमारा जैसे एक बाब जो है ना बेटा ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। इस एक बाब के ख़त्म होते ही जब इसके चैप्टर्स के इसके जितने भी सवाल हैं ना वो आपको मैं इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट फ्राइडे को हमारी जो क्लास होगी उसमें मैं आपको जो है वो व्हाट्सएप कर दूंगी, क्लास में भी डिस्कस हो जाएंगे सारे सवाल, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। नेक्स्ट क्लास से पहले हम उर्दू बी का काम करेंगे, ठीक है। उर्दू बी में तारीफें हैं वो मैं आपको डिक्टेट करवाऊंगी, इस मारफा और इस नकरा की किस्मों की तारीफें हैं, वो करने के बाद इसके सवालात आपको मैं व्हाट्सएप करूंगी, सिर्फ सवालात, और उसमें से जो जवाब आपको मुश्किल लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन फाइंड आउट आपने खुद करना है बेटा, वरना इस रीडर को पढ़ाने का मकसद फौत हो जाएगा अगर मैं इसके भी आपको वैसे ही डिक्टेट करवाऊँ, ठीक है बेटा। ये आपको कोशिश आपकी ये होगी कि आपने सवालात जो है वो खुद ही फाइंड आउट करने। जी बेटा फातिमा मेरा ख्याल आपको कुछ पूछना है। जी फातिमा बोले। हाँ जी बेटा आप बिल्कुल, आपके पास है फातिमा ये नॉवेल बेटा, आप पढ़िए इसको। जी बेटा। यस यस टीचर, मैं यही कहने लगी थी, आपने मेरा मैसेज देख लिया। जी बेटा, बेटा जरूर पढ़िए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप बहुत सी जगहों पे आपको लगेगा कि आपको समझ नहीं आ रही है, तो उस वक्त आप फिर अपनी मामा से हेल्प लीजिएगा, शी विल गाइड यू, शी विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि बहुत टफ है ये, मैं आपको पहले ही बता दूं, पूरी जो दूसरी इसका ये पार्ट जो नहीं है फिर भी बेहतर है, दूसरा पार्ट उसका मोर देन टफ है, इससे काफी ज्यादा मुश्किल है वो, क्योंकि उसमें ना सब नबियों का जिक्र है, तमाम नबियों के साथ उसमें कनेक्शन, समझ लीजिए वो एक तरह से कुरान की पूरी तफसीर है, आपको मैं ये कह सकती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। हाँ जी पूछिए। यस टीचर बोले। नहीं बेटा आप पूछे, आप क्या पूछ रही है। ओके टीचर, मैंने ना सिर्फ आपसे ये कहना है कि जब मतलब कि सारे हम कर लेंगे ना तो आप एंड में एक सिलेबस जैसे बनाकर भेज देना कि हमने ये चैप्टर्स किए, उनके क्वेश्चन आंसर्स किए और जिनकी जो भी तश्री वगैरह की। जी आपको डेफिनेटली सिलेबस मिलेगा, आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे ना जैसे ही, तो आपके जो भी टर्मिनल पेपर्स हैं, अब आपका आई डोंट नो कि क्लास 8 में अब आपके शायद फाइनल ही होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके फाइनल हों, तो आपको एक लिमिटेड सिलेबस दिया जाएगा, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आपने प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है बेटा, उसके लिए आप वरिड ना हो, स्कूल का आपको सिलेबस डेफिनेटली मिलेगा। चले और यहाँ पे मैंने मार्कर्स, जी जी मैंने ना मार्कर्स जो है ना वो अब खरीदे हैं, क्योंकि मुझे पहले नहीं पता था, तो अब मैं मिडिल स्टोन से ही काम करूँ या मैं दोबारा पॉइंटर्स ही शुरू करूँ। नहीं नहीं बेटा, अब आप मार्कर्स ही काम करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, जो 604 नहीं आ रही बेटा उसकी प्रैक्टिस करें फातिमा, बहुत ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करें, 604 और 605
आपने दोनों यूज करना है. 605 से आपकी मेन हेडिंग्स होंगी और 604 से सब हेडिंग्स होंगी. ठीक है, चलें. फातिमा रहमान, आपको बेटा कोई सवाल करना है? मैंने रिदा का मीनिंग पूछना था. बेटा रिदा का मतलब है चादर. ठीक है, एक चादर, एक जिसे कहते हैं ना, एक पर्दा. ठीक है, पर्दा से आप कह सकते हैं. रिदा का मतलब है पर्दा और चादर. ठीक है बेटा, गुड क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगता है. अगर आपको रीडिंग के दौरान कोई मुश्किल वर्ड लगता है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसका मीनिंग लाजमी पूछे बेटा आप लोग. इससे मुझे भी अंदाज होता है कि आप कितने अटेंटिव हैं, आपने कितना अच्छा आपने सुना. चले ईमान, आपको बेटा कोई सवाल करना है? टीचर, मैंने आपसे 604 और 605 के यूज के बारे में पूछना है. बेटा 605 जो है ना आपका, 605 वो आपका मेन हेडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, जिसको आपने अगर शायद देखा होगा कि बहुत वो ब्रॉड लिखता है. ठीक है, उससे आपकी हेडिंग जो है ना बहुत ब्रॉड, आपका वो मोटा जो है ना, बहुत मेन हेडिंग जो होती है आपकी, प्रोमिनेंट जो आपको करनी होती है, वो आपने 605 से लिखना है. ठीक है, और 604 जो है ना आपका, वो आपकी सब हेडिंग्स, जैसे कि अगर हम अशार की तशरीहात कर रहे हैं ना, तो अशार की तशरीह इज द मेन हेडिंग, वो आपको लिखना है 605 से. ठीक है, उसके बाद आपकी हेडिंग आएगी हवाला है बंद की या हवाला है शेर की. वो हवाला है शेर जो आप लिखेंगे ना, वो आपने 605 से लिखना है. फिर जो शेर आप लिखेंगे वो 604 से. ठीक है, फिर आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या होती है उसके बाद? उसके बाद आपकी हवाला है मतन की हेडिंग होती है, मेरा ख्याल है. उसमें आप शायर का नाम और मुसन्निफ का नाम लिखते हैं. फिर वो हवाला है मतन जो है आपका, वो आपका 605 से होगा, वो मेन हेडिंग है. फिर आपका शायर का नाम और नज़्म का नाम जो है वो सब हेडिंग्स हैं, वो आपने 604 से लिखना है. फिर मफ़हूम जो है ना, मफ़हूम वो डेट और घर का काम, जमात का काम, वो तो बेटा आप 605 से ही लिखेंगे वो भी. टीचर, वो डेट और घर का काम, क्योंकि पेपर में तो 604 से लिख सकता है, उसका इतना मुझे आइडिया नहीं है. क्योंकि आप देखिए ना, आपको पेपर में बेटा ये सब डेट और डे नहीं लिखना होगा आपको, घर का काम, जमात का काम, ड्यूरिंग पेपर्स, आपको बस ये हेडिंग्स आपने रटी हुई होनी चाहिए. मफ़हूम भी आपका सब हेडिंग में शुमार होता है, इसलिए वो भी 604 से. फिर जो तशरीह आती है ना आपकी, वो मेन हेडिंग है, वो आपने फिर 605 से लिखना है. ठीक है, वो आप जब स्कूल प्रॉपर खुलेंगे ना, फिर आपको बोर्ड पे जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना, उससे आपको बहुत हद तक अंदाजा हो जाएगा. आमना, आज आपकी बेटा शायद टर्न नहीं आई है रीडिंग की, जिसकी टर्न नहीं आई, आमना अब्दुल रहमान, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से बेटा शुरू करवाऊंगी. जी आमना, कुछ पूछना है आपको? ओके टीचर जी. आमना जी, टीचर मैं कह रही हूँ आप 605 को बता रही है ना, तो स्टार्टिंग से मुझे इसका मुझे स्टार्टिंग से सारा पता था, मेरी सिस्टर ने बता रही, तो मैंने सारा काम इन पेन से की है. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है. आप लोग जितना यूज टू हो जाएंगे ना, आपके लिए आसानी होगी. वैसे खैर 9 क्लास से पूरी आपकी यही प्रैक्टिस चलनी है. ओके क्लास 8, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. लव इज बेटा ऑल ऑफ यू, क्योंकि टाइम अब हो गया है. अब्दुल रहमान बेटा, आपसे आज बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब. अल्लाह हाफिज़ बेटा.